टेक जगत का क्या हाल चल रहा है, यह हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि टेक जगत की पांच बड़ी खबरें। सबसे पहले बताते हैं टेलीकॉम कंपनी के बारे में। वोडाफोन ने दमदार वापसी की है। कंपनी ने हाल ही में 84 दिनों की वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता प्लान पेश किया था। अब कंपनी ने 56 दिनों की वैलिडिटी वाला एक नया प्लान पेश किया है, जिसमें कॉलिंग डाटा मिलने वाला है। तो वहीं पोको F1 की बात करें तो इस स्मार्टफोन को रोजो रेड कलर वेरिएंट में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत करीब 20,999 रुपए से शुरू होगी। अब बात करते हैं ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की। तो आपको बता दें कि यह 10 अक्टूबर से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आयोजन करने वाली है। यह 5 दिवसीय सेल 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें दमदार डिस्काउंट आपको मिलने वाले हैं। बजाज ऑटो ने त्योहार को ध्यान में रखकर एक खास ऑफर पेश किया है। इस ऑफर का नाम 555 रखा है, जिसमें बाइकों पर कई ऑफर मिल रहे हैं। और आखिरी खबर में भारत की लीडिंग ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने त्योहारों के दौरान अपनी सेल को बढ़ाने के लिए वैगनआर लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट 9 टेक के लिए राशिद अली की रिपोर्ट।